नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि अभी काफ़ी सारी बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। क्योंकि आप सबको पता है चुनावी जो दौर था, जी हाँ, जिसके लिए चुनावी जो मतदान का दिन है वो आ चुका है। तो बस मतदान करिए, मैं आप सबसे यही बोलूँगा, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, काफ़ी सारे बड़े ऐलान, बड़ी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, उससे पहले बात करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। अयोध्या के राम मंदिर में फिर बदला है समय, अब इतने घंटे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें, चैत्र रामनवमी मेले के समापन के बाद अयोध्या में जो मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित हो चुकी है। गुरुवार को दिनभर में 50,781 दर्शनार्थी रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं, तो उसके लिए समय को वापस से चेंज कर दिया है। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर। 16 साल के निचले स्तर पर आया है गेहूं का स्टॉक, अधिकारी ने बताया है इस वजह से आई है कमी। आपको बता दें, सरकार को इस साल जो किसानों से 3 करोड़ से लेकर 3.2 करोड़ टन गेहूँ खरीदने का लक्ष्य हर हाल में हासिल करना होगा, ताकि अगले सीजन स्टॉक का स्तर बफर मानक से ऊपर रहे। साल 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। माना जा रहा है कि आम चुनाव के बाद सरकार शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। बाकी एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा जो किसान भाई लोग हैं, ठीक है, ताकि आपको हर खबर अच्छे से समझ आ जाए। चलिए इसके बाद जान लेते हैं यूपी के बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीखें एकदम फाइनल हो चुकी हैं। 55 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। कब आएगा परिणाम, आपको बता देते हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की करीब 55 लाख छात्रों का इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के जो परिणाम को लेकर एक अपडेट आ चुका है और जल्द ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जल्द ही आने वाले दिनों में परीक्षा का परिणाम देखने को मिल सकता है और दोनों कक्षाओं का जो परिणाम है वो शनिवार दोपहर 2 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, शनिवार के तहत ये घोषित हो जाएगा रिजल्ट। और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, 22 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित जितनी भी परीक्षा हुई थी उनका पूरा का पूरा रिजल्ट अब देखने को मिल सकता है और जल्द ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। बाकी रिजल्ट देखना तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in, upresult.nic.in पे आप देख सकेंगे रिजल्ट। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्या ईरान ने डाल दिए हैं हथियार, इसराइल के हल्के पलटवार पर ही हो गया है युद्ध का एंड गेम। आपको बता दें, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने राइटर्स ने बताया कि इस घटना के लिए इसराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की कोई उनकी योजना नहीं है और ईरान ने जो ईरान के ऐसे तेवर युद्ध को टालने की दिशा में देखे जा रहे हैं, तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, जो कि बाकी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है, युद्ध करने से कुछ नहीं होता है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। ना आरक्षण को हटाएंगे, ना सेक्युलर शब्द और ना हटाने देंगे, संविधान बदलने के आरोप पर भड़के अमित शाह। आपको बता दें, संविधान के सेक्युलर शब्द हटाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस देश के पथ निरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह बीजेपी का ही है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। बाकी और डिटेल में जानना हो तो एक बार पोज करके इन सभी चीज़ों को आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पहले चरण की वोटिंग, जैसे आप सबको मैंने बताया, वोट शुरू हो गए हैं। पिछली बार के बराबर भी नहीं पहुंच सका है मतदान, गर्मी का असर या कुछ और है बात। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। हालांकि इसके बावजूद मतदान जो फीसदी संख्या होती है पिछली बार के बराबर भी नहीं पहुँच सकी है। अब इसके लिए कुछ रीजन हो सकता है, गर्मी थी इस वजह से लोगों ने नहीं दिया। अब सबको लगता है ये दे देंगे, देखेंगे क्या होगा एक मतदान से, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है, तो अपना जरूरी और बहुमूल्य जो वोट है वो जरूर से दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है वोट देना। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। सलमान खान के घर लॉरेंस बिश्नोई नाम से बुक हुई कैब पहुँचने से मच गया हड़कंप, गाजियाबाद से निकला है कनेक्शन। आपको बता देना चाहते हैं कि सलमान खान के जो घर के आगे जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके एक नाम से कैब देखने को मिली है। जी हाँ, फायरिंग की घटना के बाद सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की कैब पहुंची और सुपरस्टार सलमान खान के घर पर ये कैब पहुंचने के बाद शुक्रवार के दिन गैलेक्सी अपार्टमेंट में इस कैब को कुख्यात गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक किया गया था, और इस कैब के पहुंचते ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। वॉचमैन ने फौरन पुलिस को खबर दी। मुंबई पुलिस गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची और कैब चालक को अपने साथ ले गई। पुलिस ने कैब चालक से बुकिंग कराने वाले शख्स की जानकारी ली है और पूछताछ चल रही है, जल्दी उसके बारे में भी पूरी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। और बताया जा रहा है 20 साल के युवक ने क्यों किया ऐसी हरकत, ये नाम बताया जा रहा है रोहित त्यागी है और वो मुंबई के लिए आई थी,
और ऐसा कुछ जानकारी डिटेल में वो जानना है तो एक बार पूछ करके पढ़ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए इसके बाद अब जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में। लू जैसी तेज हवाओं के बीच 40 डिग्री से पारा जो है वो पहुंच गया है पार। 24 घंटों में तापमान की बढ़ोतरी के आसार। आपको बता दें लू जैसी तेज हवाओं के बीच यूपी के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। यहां तक कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटों में तापमान वृद्धि की संभावना देखने को मिल रही है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नगर आयुक्त मेरठ पर लगाया 10,000 का निशान। आपको बता दें कर्मचारियों के जो इंक्रीमेंट को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि इंक्रीमेंट की जो देय तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी वार्षिक इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है लोकसभा चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले इन कर्मचारियों को एडवांस होगा भुगतान, शासन से मिली है हरी झंडी। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए जो ड्यूटी पर जाने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उन्हें आमतौर पर चुनाव के बाद ही भुगतान होता है, लेकिन अब होमगार्ड्स को एडवांस से भुगतान होगा और शासन से 40% धनराशि के भुगतान की हरी झंडी मिल गई है, जो वाकई में उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी निभाने वाले हैं। चलिए इसके बाद जान लेते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर। यूपी में पहले चरण की वोटिंग खत्म। पिछली बार से इस बार जो मतदान है वो थोड़ा कम हुआ है, बाकी इसके पीछे गर्मी का असर है या कुछ और ये तो नहीं पता, लेकिन आपका क्या विचार हो सकता है वो एक बार कमेंट में बता सकते हो। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हर चरण की वोटिंग के दिन माहौल बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ, 26 को बरेली में होगा मोदी जी का रोड शो। बता दें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मोदी की गारंटी के सहारे चुनाव मैदान में है। पार्टी प्रत्याशियों को भी मोदी मैजिक ही आस है, ऐसे में भाजपा अपना पुराना सफल प्रयोग फिर दोहराने जा रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में एक बार अपना कमेंट्स में विचार मुझे रख सकते हैं, बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फर्जी आईडी से 400 रुपये में सिम खरीदकर 4,000 में बेचने वाला युवक गिरफ्तार। दुबई, चीन समेत कई देशों में करता था सप्लाई। जी आपको बता दें यूपी के एसटीएफ ने फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर दुबई, कंबोडिया और चीन समेत कई देशों में सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अभी तक 4,000 से ज़्यादा सिम विदेशों में सप्लाई कर चुका है, जो वाकई में पूरी तरीके से गलती है। और हाँ, इसके अब खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक्शन में पूरी घटना पुलिस आ चुकी है। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रील बनाने के जुनून में चली गई युवक की जान, खंभे से उल्टा लटक कर किया स्टंट, सिर के बल गिरते ही मौत। आपको बता देना चाहते हैं कि जहाँ इन दिनों बच्चे बूढ़े और जो भी युवा है रील बनाने का एकदम पूरा जुनून रहता है, जिसे जहाँ समय मिलता है वहीं रील बनाकर डाल देना। इसका वीडियो एक सोशल मीडिया पर ऐसा देखने को मिला जिसमें वाकई में हैरतअंगेज था, और सच में ये चीज़ देखकर एकदम पूरा सा मतलब अगर देख लिया जाए तो सच में बुरा हाल हो गया है। जी आपको बता देना चाहते हैं कि रील बनाते वक्त एक जो लड़का था वो खंभे पर लटका और एक्सरसाइज करने लगा। युवक के पास उसके दोस्त भी खड़े थे, वीडियो बना रहे थे, एक्सरसाइज कर रहा था। अचानक उसके सिर के बल फर्श पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी जब घर वालों को लगी तो कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, कभी भी कुछ इस प्रकार की वीडियोस नहीं बनाना है और ये चीज़ें जहां तक हो सके रील्स में सावधानी पूर्वक ही हर चीज़ करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। RBI बंद कर सकता है क्रेडिट कार्ड से कई भुगतान, आम आदमी की बढ़ेगी मुसीबत। आपको बता दें रिजर्व बैंक इंडिया इनके क्रेडिट कार्ड के जरिए कुछ तरह के जो भुगतान है उन पर रोक लगाने को जा रहे हैं। जी आपको बता दें देश में क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है लगातार बढ़ रहा है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते फरवरी में ऐसे कई मामले देखे जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ और सालाना 26% की ग्रोथ भी हुई। और इस भुगतान में जितने भी अमाउंट थे वो रेट पेमेंट, ट्यूशन फीस या वेंडर पेमेंट और सोसाइटी के मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए देखा जाए तो ये चीज़ें इसके लिए नहीं है, ये जो भी चीज़ बनाई गई थी वो क्रेडिट कार्ड के पर्सन को मर्चेंट का जो भुगतान करना था उसके लिए थी, लेकिन इसमें पर्सन टू पर्सन को नहीं किया जा सकता। तो इसी के लिए आपत्ति जताई RBI ने और इसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। और जल्दी क्रेडिट कार्ड से जितने भी जो रेट पेमेंट या फिर वेंडर पेमेंट या ट्यूशन फीस भुगतान है वो सारे के सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। UPI पेमेंट पर सरकार का नया प्लान विदेशी ऐप को टक्कर देने आ रही है नई ऐप्स। आपको बता दें भारत सरकार की तरफ से UPI को लेकर नया प्लान है देश के, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सिस्टम फिनटेक स्टार्टअप पर फोकस करने का विचार कर रही है। और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐप्स की भारत में एंट्री हुई है, अब UPI इकोसिस्टम को एक नई दिशा देने पर जोर दिया जा रहा है। आज हम आपको इसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। जी आपको बता दें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने क्रेड, फ्लिपकार्ट और फेम पे और अमेजन पे जैसे ऐप्स के एग्जीक्यूटिव से मिलने का वाला प्लान बनाया। और अभी देश में गूगल पे और फोन पे का एक तरफ राज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अब फोकस है कि इस ऐप पर शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है। नई कंपनियों का देश में मार्केट शेयर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी आने वाले समय में पता चलेगा क्या देखने को मिलता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।